खबर बदायूं से है। हजरतपुर कस्बे में थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर शुक्रवार शाम सराफा और कपड़ों की दुकान से स्वामी राकेश गुप्ता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस वारदात के पीछे लूट और रंजिश दोनों को लेकर छानबीन कर रही है। एसपी सिटी समेत कई अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। राकेश गुप्ता के 12 साल के बेटे निखिल के मुताबिक करीब 7:30 बजे वह और उनके पिता दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी पैदल दो लोग पहुंचे और पैंट का कपड़ा दिखाने को कहा। पिता कपड़ा निकाल कर दिखाने लगे, तभी उनमें से एक ने तमंचा निकाल कर राकेश गुप्ता के सीने पर गोली मार दी। राकेश चीखते हुए जमीन पर गिर गए। उन्हें खून से लथपथ देख निखिल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तभी दोनों हमलावर भाग गए। गोली की आवाज और निखिल की चीख सुनकर आसपास के दुकानदार व अन्य जमा हो गए। सूचना मिलने की कुछ देर ही बाद एसीपी और सीओ के साथ ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसीपी सिटी ने बताया कि कारोबारी रंजिश को लेकर छानबीन की जा रही है, साथ ही लूट समेत अन्य पहलू को भी ध्यान में रखकर पड़ताल की जाएगी।